बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद वसीम चौधरी फ्रॉम CCU सेकेंडरी स्कूल कोटद्दू। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स यूनिट नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स से आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। उसमें हम लोगों ने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इस तरह से नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव रेज, अल्फा बीटा गैमा, इनसे रिलेटेड हमने बातें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। बैकग्राउंड रेडिएशंस, कॉस्मिक रेडिएशंस, ये हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं। आज का लेक्चर, उससे आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। क्योंकि टॉपिक रेडियो एक्टिविटी में हम पढ़ रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स 82 या 82 से ग्रेटर हों, 82 या 82 से ज़्यादा हों, तो वो अनस्टेबल होते हैं, गैर क़याम पज़ीर होते हैं, उनसे शुआएँ जो हैं वो ख़ारिज होती हैं, स्पॉन्टेनियसली बाई नेचर कुदरती तौर पर ख़ुद ब खुद शुआएँ ख़ारिज करते हैं और अपने आप को वो एलिमेंट्स कन्वर्ट कराते हैं स्टेबिलिटी की तरफ, क़याम पज़ीरी की तरफ। एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट की तरफ जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट से आम रूटीन में बैलेंस्ड फॉर्म की तरफ वो जाते हैं, स्टेबल फॉर्म की तरफ जाते हैं। अब उसी से छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक, ये एज ए लॉन्ग भी बेटा इम्तिहान में आ सकता है, इसमें अल्फा बीटा गैमा डीके की इक्वेशंस भी पूछ सकता है, तो ये आपने अच्छे अंदाज में इसको एज ए लॉन्ग ही प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के हवाले से। शॉर्ट में आ जाता है तो वेल एंड गुड, आप डेफिनेशन करेंगे और एक एक एग्जाम्पल दे देंगे, अदरवाइज एज ए लॉन्ग के तौर पर आपने इसको अच्छे अंदाज में लेना है। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कुदरती प्रोसेस है, खुद ब खुद स्टार्ट होने वाला ये अमल है, इन विच जिसमें अपेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, एक पेरेंट जो मौजूद होता है, जो अनस्टेबल है, जो गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाइड है, चेंजेस तब्दील होता है इनटू अ मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड। यहाँ दो नाम दे दिए साइंटिस्ट ने कि एक जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा उसे पेरेंट का नाम दे दिया, और जब वो रेडिएशंस इमिट करने के बाद, आफ्टर इमिशन द रेडिएशंस, शुआएँ खारिज करने के बाद, इस तरफ था वो पेरेंट है, शुआएँ खारिज करने के बाद एक न्यू एलिमेंट जो वजूद में आता है, नया आंसर जो बनता है, उसे डॉटर एलिमेंट, स्टेबल एलिमेंट कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी यहाँ पर आप कहेंगे कि पेरेंट एलिमेंट अगर पूछ ले तो वो अनस्टेबल होता है, वो अनस्टेबल होता है, एक्साइटेड फॉर्म में होता है, वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होता। और जो उस शुआएं खारिज करने के बाद जो एलिमेंट बनता है, जो हासिल होता है, न्यू वन जो प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, उसे स्टेबल एलिमेंट को डॉटर एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया इंटू मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड विद द इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड न्यूक्लियर। वो पूरा प्रोसेस, पेरेंट एलिमेंट आफ्टर इमिशन द रेडिएशन अल्फा की सूरत में, बीटा की सूरत में, गैमा की सूरत में, वो रेडिएशन इमिट करने के बाद किसी नए एलिमेंट में जब कन्वर्ट हो जाता है, नए एलिमेंट हासिल हो जाता है, तो उस पूरे प्रोसेस को न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। यानी कि पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड का, पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड का आफ्टर इमिशन द रेडिएशन, आफ्टर इमिटिंग द रेडिएशंस, कन्वर्ट हो जाना किसी नए डॉटर एलिमेंट में, ये जो पूरा प्रोसेस होगा इसे बोलेंगे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। इसके नतीजे में बेटा तीन तरह की डिके होती है, तीन तरह का इखराज होता है रेडिएशंस। हमने पढ़ा था 3 टाइप्स की रेडिएशंस हैं, अल्फ़ा डीके, यानी कि अल्फ़ा डीके हमने कहा था अल्फ़ा रेडिएशंस का इमिट हो जाना, फिर दूसरा नाम दिया था टाइप का बीटा रेडिएशंस। तो यहाँ पर ये इक्वेशंस
प्रूव करेंगी कि बीटा डीके के नतीजे में क्या चेंजेस आएंगे और किस तरह का एलिमेंट हासिल होगा। थर्ड वन है गैमा रेडिएशंस, गैमा डीके के गैमा रेडिएशंस का अखराज कैसे होगा और उसके नतीजे में उस एलिमेंट पर क्या असरात होंगे। ये ब्रीफली आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले बेटा अल्फ़ा, अल्फ़ा की बारे में कुछ थोड़ी सी खसूसियात इन तीनों रेज़ के बारे में आपको पता हो। अल्फ़ा जो हैं वो हीलियम के न्यूक्लियाइड हैं। किसके? हीलियम के न्यूक्लियाइड हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अल्फ़ा हीलियम है और हम बीटा जब रेज कह रहे हैं, बीटा को दूसरे अल्फाज में सिंपल वर्ड्स में हम इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। नेगेटिव चार्ज होगा अल्फ़ा पर जो है वो अल्फ़ा पॉजिटिव चार्जेस के हामिल होती हैं, बीटा नेगेटिव चार्जेस के हामिल हैं। गैमा रेज जो हैं वो न्यूट्रल हैं, इनका जो है इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। इन दोनों पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के असरात होते हैं, वो फर्दर जो है वो टॉपिक में डिस्कस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने पेरेंट एलिमेंट लिया, जनरल इक्वेशन शो करा रहा हूँ। अल्फ़ा डीके के लिहाज से हीलियम और अल्फ़ा ए की बात है, यहाँ पर अल्फा लिख देता हूं मैं साथ। हीलियम की जगह उसको सिंबल लिख सकते हैं हम, अल्फा लिख सकते हैं। ये जनरल इक्वेशन है, एक्स से मैंने रिप्रेजेंट किया, कोई भी एलिमेंट है मैंने जनरल वे में एक्स से डिनोट करा दिया। ऊपर ए लिखा है यानी एटॉमिक मास नंबर और नीचे जी लिखा हुआ है, जी का मतलब है एटॉमिक नंबर, एटमी नंबर नीचे और एटमी मास नंबर जो है वो ऊपर। अब जब इससे बेटा रेडिएशंस इमिट होंगी, अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट होंगे, तो तब इस पर क्या असरात होंगे। अल्फ़ा यहाँ देखें हीलियम के न्यूक्लियाइड, उसका एटॉमिक मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2, तो जाहिर सी बात है जब ये इसमें से क्या हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं। खुद समझिएगा, ये वाला इसमें से खारिज हो रहा है तो इसके एटॉमिक मास में से और एटॉमिक नंबर में से ये माइनस होगा, तो जब ये माइनस होगा तो ये वही वाला एलिमेंट नहीं बचेगा बल्कि किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास, मैंने सिंबॉलिकली भी यहाँ पर कोशिश की है, ये एक्स लिखा हुआ है तो इसे मैंने वाई से डिनोट कराया है, यानी यहाँ पर पेरेंट एलिमेंट, अनस्टेबल एलिमेंट, एक्साइटेड एलिमेंट कोई और है और यहाँ पर न्यू वन एलिमेंट जो रेडिएशंस खारिज करने के बाद बना, हासिल हुआ, उसे हम डॉटर एलिमेंट कह रहे हैं और वो स्टेबल एलिमेंट है। यहाँ पर वाई आ गया, अब ये देखें ए माइनस 4 एटॉमिक मास नंबर से मैंने 4 सब्ट्रैक्ट किया। क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि यहाँ पर ये हीलियम जो खारिज हुआ, अल्फ़ा जो खारिज हुआ, उसका एटॉमिक मास कितना है 4, तो वो 4 उससे माइनस हो गया, इमिट जो हो रहे हैं खारिज हो रहे हैं। दूसरा जी में से कितना माइनस होना है 2, तो यहाँ पर आ गई एनर्जी। अब ये रेडियम की एग्जांपल दे रहा है, रेडियम अनस्टेबल है, 88 देखें बेटा 82 से ग्रेटर है, ये अनस्टेबल है, पेरेंट है, एटॉमिक मास नंबर इसका 226। रेडियम जो है जब उससे अल्फ़ा पार्टिकल्स खारिज हो जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर रेडॉन में कन्वर्ट हो गया रेडियम। अब रेडॉन का यहाँ इधर 88 था एटमी नंबर, तो रेडॉन का क्या हो गया 86, 86, 2 कहाँ गया, 2 हीलियम पार्टिकल्स इमिट हो गए। और यहाँ पर 226, 226 उसका मास नंबर था तो वो कितना हो गया 222, तो 4 कहाँ चला गया, 4 क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मास नंबर था तो वो क्योंकि इमिट हुआ है, खारिज हुई अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो ये न्यू वन एलिमेंट हासिल हो गया। इस रेडॉन को हम कहेंगे कि ये स्टेबल है आफ्टर इमिटिंग दी अल्फ़ा पार्टिकल्स, आफ्टर इमिटिंग दी अल्फ़ा रेडिएशंस, और ये जो बना है ये स्टेबल है और इसी को हम क्या कहेंगे, डॉटर एलिमेंट। यानी पेरेंट अनस्टेबल एलिमेंट रेडॉन कन्वर्ट हुआ अल्फ़ा पार्टिकल्स खारिज करने के बाद रेडॉन में, रेडियम रेडॉन में कन्वर्ट हुआ और ये जो रेडॉन हासिल हुआ ये क्या है हमारे पास, डॉटर एलिमेंट, स्टेबल एलिमेंट। नेक्स्ट वन बेटा बीटा पार्टिकल्स। हाँ जी, एक और बात भी आ गई, चलें
लेक्चर के साथ साथ एक और कंसेप्ट, बेटा थ्री एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स दूंगा आपको, थोड़े से टॉपिक से रिलेटेड ही हैं। अक्सर जब क्लास बैठी होती है तो बच्चे स्टूडेंट्स लाइव क्वेश्चंस कर लेते हैं, सामने बैठकर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं इनमें, तो ख़ुद से हमारा एक्सपीरियंस है कि बच्चे ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कोशिश करते हैं हम हर टॉपिक में आप लोगों को वो चीज़ें भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अब टॉपिक चल रहा है हमारा, थोड़ी सी दो मिनट की बात लूँगा, ये तीन कंसेप्ट्स आ गए हैं जहन में, कि टॉपिक हमारा चल रहा है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। बेटा हमने इस कंप्लीट चैप्टर में सारी की सारी बातें एनर्जी रेडिएशन बात करनी है, न्यूक्लियर फिज़िक्स का ये हिस्सा है, न्यूक्लियर फिज़िक्स के एटम के सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस को डिस्कस होना है। तवज्जो कीजिएगा, किसे डिस्कस होने हैं, न्यूक्लियस को। तो जितनी बातें हैं वो न्यूक्लियस से आ रही हैं। अब मैं यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा क्लियर कराऊँगा। अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मेरी बातें समझने की कोशिश कीजिएगा। चैप्टर किससे मुतालिक है, न्यूक्लियस से मुतालिक है। हमने डिस्कस क्या करना है, न्यूक्लियस को करना है, उसमें पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल उसमें न्यूक्लियस में कौन से हैं, न्यूक्लियॉन्स कौन से हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब रेडिएशंस जो खारिज हो रही हैं वो कहाँ से हो रही हैं, वो न्यूक्लियस से। थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियस डिस्कस हो रहा है, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियॉन्स हैं, और वहीं पर हम एटम का पूरे का पूरा मैस जो है, एटम का पूरा मास जो है, हम कह रहे हैं कि वो कहाँ पर कंसिस्ट करता है, कलेक्टिवली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने बात की थी, वो उस पूरे एटम का मैस है। अब जब एटम का मैस डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियस पर, और न्यूक्लियस से क्या खारिज हो रही हैं, समझने की बात है, रेडिएशंस इमिट हो रही हैं। जब रेडिएशंस इमिट हो रही हैं तो उससे क्या हो रहा है, मैस कम हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब मैस रिड्यूस होगा, एनर्जी जो जा रही है वो मैस रिड्यूस होगा उसका। तवज्जो कीजिएगा, एनर्जी जा रही है, रेडिएशंस एनर्जी है, रेडिएशंस खारिज हो रही हैं, तो मैस क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। अब मैस रिड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है वो एलिमेंट, किसी नए एलिमेंट में जब वो मैस रिड्यूस हो गया तो उसका एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा, एटॉमिक मैस भी चेंज होगा, तो वो किसी नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ये टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, जिसमें पेरेंट कन्वर्ट होगा डॉटर में। एक तो ये बात हो गई कि इस चैप्टर में हम न्यूक्लियर फिजिक्स का हिस्सा है, हम न्यूक्लियस को ही डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। नेक्स्ट वन, अब बीटा पे जब आएंगे तो यहाँ पर दो बातें यहाँ पर क्लियर कराऊंगा आपको। बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि बीटा डीके है, यहाँ पर भी हमारे पास पेरेंट एलिमेंट, मैंने जनरल इक्वेशन लिखी एक्स, फिर यहाँ पर वाई आ गया, उसमें नए एलिमेंट आ गया ए और जी, एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है। बीटा पार्टिकल्स को मैंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स का, बीटा पार्टिकल्स इनको मैंने नाम दिया था बेटा इलेक्ट्रॉन्स का। ये बीटा पार्टिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो रहे हैं। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, इसकी एग्जांपल है कि कार्बन 6, 14, ये नाइट्रोजन 7, 14, ये बीटा पार्टिकल इमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, और ये एनर्जी है। यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर आपने यहाँ पर कार्बन 6 लिख दिया है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का हिस्सा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप बता रहे हैं, तो स्टेबल एलिमेंट है जी ये, तो ये स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन होता है, अटेंटिव रहिएगा। स्टूडेंट्स कहते हैं कि कार्बन तो आप तो कह रहे हैं, आपने डेफिनेशन में बताया था कि रेडियो एक्टिविटी में 82 जो है एटॉमिक नंबर हो या 82 से ग्रेटर हो, यहाँ तो 82 नहीं है, 82 से जो स्मॉलर होंगे, लेस होंगे, वो तो स्टेबल हैं, तो ये तो स्टेबल है, इसको कैसे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, हाँ छोटों से करा सकते हैं लेकिन वो तो स्पॉन्टेनियस तो नहीं कह सकते उसको। ये स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन होता है। बेटा इसका आंसर ये है, कार्बन के आइसोटोप्स हैं, कार्बन के आइसोटोप, अटेंटिव होइएगा, गौर से अगर देखें ये कार्बन का जो है वो नेचुरल नहीं लिखा हुआ, ये कार्बन का आइसोटोप लिखा हुआ है। वैसे कार्बन का जो है वो जब हम लिखते हैं 6 उसका होता है एटॉमिक नंबर,
और 12 जो है वो मैस नंबर जो ओरिजिनल पाया जाता है जो है ना, नेचुरल अबेंडेंस जो है उसकी, नेचुरल जो है एग्जिस्टेंस जो है वो ये है। ये क्या है? तो किसी के भी जो आइसोटोप होते हैं, याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट्स के, एटम्स के जो आइसोटोप हैं उनमें से एक तो नेचुरली होता है और बाकी जो दो हासिल होते हैं वो कंडीशनल बेस्ड होते हैं। अटेंटिव होइएगा, वो कंडीशनल बेस्ड होते हैं। अगर उनको वो सूटेड कंडीशंस नहीं मिलती, वो सूटेड टेम्परेचर, वो सूटेड जो है वो नेचुरल चीज़ें नहीं मिलती, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, वो स्टेबल फॉर्म में नहीं रहते, वो अनस्टेबल होते हैं। आपको इस बात का आंसर दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमने एज एन एग्जाम्पल बीटा डीके में कार्बन 614 ले लिया। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि कार्बन 6 स्टेबल एलिमेंट है, ये स्टेबल नहीं है, ये कार्बन का आइसोटोप है, ये वाला आइसोटोप जो है ये कंडीशनल स्टेबल होता है, अदरवाइज हर टेम्परेचर पर हर रूटीन में स्टेबल नहीं होता, मोस्टली अनस्टेबल होता है, इसीलिए हमने इसको एज ए अनस्टेबल एग्जाम्पल में शामिल किया है। जब ये अनस्टेबल, अब अगली बात आ गई, मेरे ख्याल में आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी, ये स्टेबल है, इसको हम अगर बम्बार्डमेंट करा कर इनसे रेडिएशंस खारिज करें वो अलग बात है, नेचुरली इनसे रेडिएशंस इमिट नहीं होंगी, इससे नेचुरली अनस्टेबल है, इससे रेडिएशंस इमिट होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास, ये क्लियर हो गया आपको, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पर सर अटोमिक नंबर 6 था, यहाँ पर अटोमिक नंबर इंक्रीज हो गया 7, तो ये कैसे हुआ? अब हम जब अल्फा की तरफ आते हैं तो हमने ये देखें, 2 था, हमने 88 से माइनस किया था 2 को, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर था वो लेस किया था, तो 88 से 2 चला गया, तो हमारे पास 86 बचा जो यहाँ आया। अब अगर हमारे पास क्या है बेटा, 6 है, अटेंटिव होइएगा, हमने 6 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, -1, मैथमेटिक्स का रूल, हमने 6 में से निकालना है, किसे निकालना है, इसका ऑलरेडी चार्ज कितना है, -1, 6 में से माइनस करेंगे -1, तो क्या आ जाएगा मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक, माइनस माइनस प्लस, ये इधर हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा बेटा, 7, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है जब उससे बीटा डीके होगा उसके एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ 6 था तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ 13 होगा तो यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ फर्ज करें 90 है तो यहाँ, या 92 है तो यहाँ 93 हो जाएगा, जब बीटा डीके हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन बच्चे यहाँ करते हैं, इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं, कंसेप्चुअल बातें आ रही हैं जहन में। यहाँ पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपने तो बात की है कि न्यूक्लियर पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अबाउट पढ़ रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि बीटा डीके हो रहा है, पहले हमने कहा कि रेडिएशंस कहाँ से खारिज हो रही हैं, न्यूक्लियस से। अटेंटिव होइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास कहाँ से खारिज हो रही हैं, न्यूक्लियस से खारिज हो रही हैं, अल्फा भी वहीं से खारिज हो रही हैं, बीटा भी वहीं से खारिज हो रही हैं, गैमा भी वहीं से खारिज हो रही हैं। पॉजिटिव रेज तो समझ आती है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव रेज हैं, वो खारिज हो गई, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। अब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर शेल्स में होते हैं, फिर हम कह रहे हैं कि बीटा डीके होता न्यूक्लियस से है, कह इसको इलेक्ट्रॉन रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स की तरफ से, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है बेटा। हमने पढ़ रखा है कि प्रोटॉन एटम का, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, एटम है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मदारों में होते हैं, शेल्स में होते हैं, इन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, ओवरऑल ये एटम है, अगर इस पर कौन सा चार्ज होता है, नो चार्ज, न्यूट्रल, एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, पहले पहले लेक्चर में बताया था, अटेंटिव होइएगा। अब इसका मतलब, नो चार्ज का मतलब या न्यूट्रल का ये मतलब नहीं है कि इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, दोनों हैं लेकिन बराबर हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन नंबर्स इन एन एटम, एक एटम में दोनों की तादाद बराबर होती है। अब यहां पर वही क्वेश्चन कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कैसे खारिज होते हैं। अब आपको बता दूं, न्यूक्लियस में दो चीजें हैं, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है,
प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, सॉरी न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, एटम पर नो चार्ज, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होने का मतलब उसमें दोनों पार्टिकल्स अंदर समप होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जब भी हम एक न्यूट्रॉन को स्प्लिट आउट कराएंगे, एक न्यूट्रॉन को तोड़ेंगे, तो उससे पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल इमिट होगा। जब भी आप एक न्यूट्रॉन को ब्रेकअप कराएंगे, एक न्यूट्रॉन को तोड़ेंगे, तो उससे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्टिकल इमिट होगा। तो यहाँ न्यूट्रॉन कम हो रहा है, तो उससे न्यूट्रॉन से यहाँ पर प्रोटॉन एक बढ़ जाएगा, उधर प्रोटॉन नंबर हमारे पास बढ़ा है, तो इधर से क्या होगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर खारिज हो जाएगा, एक जो है हमारे पास इधर बाहर चला गया। नेक्स्ट वन जो है बेटा गैमा पार्टिकल्स, गैमा जो है डीके, गैमा में क्या होगा बेटा, गैमा में हमारे पास एलिमेंट चेंज नहीं होगा, तवज्जो से देखिएगा, एलिमेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी एक्साइटेड फॉर्म जो है, ये स्टार का निशान उसकी एक्साइटमेंट को शो कर रहा है, ओके, वो अनस्टेबल फॉर्म में है। आफ्टर इमिटिंग द गैमा रेज ये न्यूट्रल होती हैं, इन पर कोई चार्ज कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट सेम का सेम ही रहता है, लेकिन अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, गैर क्याम पजीर हालत से क्याम पजीर हालत में आ जाता है। कोबाल्ट है 2760 एक्साइटेड फॉर्म में, ये यहाँ पर एक्साइटेड फॉर्म में है, जब गैमा रेज इमिट करेगा तो वो स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, ये गैमा इमिशन है। बेटा आज का ये टॉपिक था न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।